हे गाइस, हेलो, वंस अगेन वेलकम ऑन नमोकास्ट सिनेमा। गाइस, मैं आपकी दोस्त नोनी जैन लेकर हाजिर हूँ इस हफ्ते की न्यू रिलीज मूवी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का फिल्म रिव्यू। जी हाँ गाइस, इस फिल्म के लीड एक्टर्स की बात करूँ सबसे पहले तो फिल्म में आपको रियल लाइफ के बाप बेटी की जोड़ी जो है वो नज़र आएगी। मैं बात कर रही हूँ अनिल कपूर सर और उनकी बेटी सोनम कपूर की। साथ में अदर एक्टर्स एक्ट्रेसेस में आप देखेंगे जूही चावला, राजकुमार राव और रेजीना कैसेंड्रा, जिन्होंने इस मूवी से कमबैक किया है, एक तरह से एक बॉलीवुड में दोबारा से एंट्री ली है। डायरेक्टर की बात कर लेते हैं पहले कि फिल्म का डायरेक्शन जो है काफ़ी वीक नज़र आएगा आपको शुरुआत में, लेकिन फिल्म छोड़कर मत जाना क्योंकि एंड तक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। ये जो कि आपको प्लॉट से पता चलेगा कि प्लॉट में ये दिखाया गया है कि सोनम कपूर जो कि एक बच्ची बचपन से जब वो बड़ी होती है तो उसके अंदर एक नॉर्मल बिहेवियर देखा जाता है, लेकिन जैसे एक प्यूबर्टी की एज जब आनी होती है तब पता चलता है कि उसका अट्रैक्शन जो है ऑपोजिट सेक्स की तरफ ना होकर बल्कि सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से उसका माइंडसेट जो है ऐसा है कि वो पेंटिंग्स भी ऐसी क्रिएट करती है जिसमें एक फीमेल ब्राइड, मतलब एक ब्राइडल जो है दूसरी ही ब्राइडल से शादी कर रही है, ब्राइड का कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर, मतलब आप समझ सकते हैं कि ग्रूम नहीं है। और गाइस, ऐसी पेंटिंग्स को देखकर, उसके माइंडसेट को देखकर कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं क्लासमेट्स जो हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उससे दूर दूर भागते हैं, जिसके लिए उसे लोनलीनेस बहुत ज़्यादा खलती है, अकेलापन ऐसा है कि वो ऐसी चीज़ें किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही है। तो जब वो दिल्ली की एक वेडिंग में जाती है, वहाँ एक लड़की पहले अपने भाई से उसको इंट्रोड्यूस कराती है, यानी मैं बात कर रही हूँ सोनम कपूर को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करती है, और ऐसे लगता है कि जैसे सोनम कपूर के रिश्ते की बात करने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी जानती है कि ये एक लेस्बियन है। यार लेस्बियन आप समझते ही हैं, इसके बारे में भी कम्प्लीटली अभी आपको मैं बताऊँगी। तो गाइस, बाद में वो दोनों वो समझ जाती है, उसको मालूम होता है कि सोनम कपूर जो है वो लेस्बियन है, और कहीं ना कहीं उन दोनों को आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, वो खुद भी लेस्बियन थी इसलिए एक दूसरे को दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसी कंसेप्ट को आगे, मतलब ये इस तरह से बढ़ता है कि आप भी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि इस तरह के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें। अगर एक लड़का एक लड़के से शादी कर रहा है और एक लड़की से शादी कर रही है तो यार समाज में ये चीज़ें एक्सेप्शनल मानी जाती हैं, जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता बदनामी के डर से, लोग क्या कहेंगे, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो यही एक फैमिली ड्रामा जो है इसको आप पर्दे पर देखेंगे, और किस तरह से किस किस ने रोल प्ले किया है यार ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मूवी देखने जाएंगे। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, दादी का रोल जो है बहुत अच्छा प्ले किया गया है, थोड़ा थोड़ा कॉमेडी भी क्रिएट किया गया है, लेकिन डायरेक्शन काफ़ी वीक नज़र आएगा आपको। आप ये जो कहते हैं समाज का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको कहते हैं थर्ड जेंडर एक्सेप्टेबिलिटी, अगर सीधे भाषा में बोलूँ मैं तो धारा 377 को इन्होंने प्रमोट किया है इस मूवी के थ्रू। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है और एकदम न्यूनेस है, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट्स पर बहुत सारी मूवीज़ नहीं बनी है। मैं कहूँगी शायद कोई एक आध के अलावा और कोई मूवी ऐसी नहीं बनी है, लेकिन फिल्म में कुछ चीज़ें जो हैं उनके ऊपर पूरी तरह से एक तरह से उन्हें इग्नोर किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं यार कि एक पर्सन जो ना फीमेल है ना मेल है उसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने देखा होगा हमारी किनर सोसाइटी जो है, इस मूवी में वैसे पूरा किनर्स के बारे में नहीं बताया यार, मैं ये भी बात बताना चाहती हूँ, किनर्स की भी दो कैटेगरीज होती हैं, किनर्स के अंडर सब कैटेगरीज, इसमें एक लेस्बियन भी होते हैं, एक गे होते हैं, गे लड़के लड़कों को पसंद करने वाले लड़के जो गे होते हैं, और फीमेल फीमेल को जो पसंद करती है वो लेस्बियन कहलाती है। तो लेस्बियंस की स्टोरी बताई गई है, लेकिन उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बहुत छोटे लेवल पर दिखाया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो अदर जेंडर से बिलोंग करता है तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता, और ऊपर से किनर सोसाइटी उस पर अपना अधिकार समझती है और उसे कहीं ना कहीं ले जाती है, जबकि जिस माँ ने उस बच्चे को बर्थ दिया है वो अपने अपने बच्चे पर अपना अधिकार चाहती है, पर वो समझ
किसी भी तरह से समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो खुद भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है। तो वो सब चीज़ें मिसिंग दिखाई है इस मूवी में। और एक और बात, जैसे कि आपने सुना होगा यार, किन्नर जो होते हैं उनके जब डेथ के टाइम पर उनके साथ जो मिसबिहेव किया जाता है, रात के समय अंधेरे में उनका संस्कार किया जाता है, उन्हें मारते पीटते ऐसे सुना है, ऐसे लेकर जाया जाता है, तो कुछ चीज़ें मतलब छिपाई गई हैं। ये मुझे नहीं पता कि समाज में सच में होता है, लेकिन ऐसा ही सुना है कि होता है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटीज़ दिखानी चाहिए थी डायरेक्टर को। और एक बात, जब कंसेप्ट इतना अच्छा सॉलिड है तो इसको और भी जोरों शोरों पर दिखाया जा सकता था, लेकिन मूवी देखकर आपको पता चलेगा कि मतलब बहुत ही छोटे बजट की मूवी है, कि एक ही परिवार ने पूरा समेट लिया है इस मूवी को। और अंत में मतलब लड़की लड़की की शादी दिखा दी गई है, सोनम कपूर की रेजिना कैसेंड्रा के साथ शादी दिखाई जाती है एक तरह से, कि मतलब समाज को एक्सेप्ट करने के लिए राजकुमार राव ने कैसे उनकी हेल्प की, जो कि एक्टर है, मतलब एक्टर नहीं है वो, राइटर है, नाटक लिखता है जिसके फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन जब वो रियल लाइफ की ऐसी चीज़ों को उजागर करके लिखना चाहता है तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है गाइस। तो मूवी यार कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हम सबको देखने जाना चाहिए। हमारा समाज जिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया जाता है सोसाइटी से, तो यार उस लिहाज से आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि किस कोई बाय बर्थ कैसा है ये उसकी अपनी चॉइस नहीं होती है, वो उसे बाय चांस मिलती है चीज़ और उसे एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगर वो खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि सहयोग दें। तो इस कंसेप्ट को समझाने के नाते मूवी देखना अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगेगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी हो, मूड बनाने के नज़रिए से आप सोचें, तो मूवी ऐसी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वीक पॉइंट ज़्यादा नज़र आएंगे गाइस, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए आप जाइएगा ज़रूर। और इस मूवी को मैं रेटिंग देना चाहूँगी यार 3.5, वैसे 2.5 देनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैंने एक अच्छे बोला है सोशल इशू को उजागर करने के लिए अगर मूवी बनाई गई है, इसलिए इतनी रेटिंग दी है इसको। गाइस अगर फिल्म की म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक बीच बीच में धूम धड़ाके वाला भी है, इमोशनल भी है, एक मॉर्निंग वाला भी सॉन्ग है, गुड मॉर्निंग का, मतलब नई सुबह आ गई है, समाज में कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कुछ कुछ म्यूज़िक जो है पूरा सिचुएशन के को टैकल कर रहा है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है, पॉजिटिविटी है उसके अंदर, तो आप म्यूज़िक भी एंजॉय कर पाएंगे। सॉन्ग्स दोनों तीनों ही ऐसे हैं कि जो आपको कहीं ना कहीं अच्छे लगेंगे, बेकार नहीं है कि हाँ भाई एक्स्ट्रा बेकार में डाले गए हैं, लेकिन कुछ सीन आपको ऐसे लगेंगे कि लंबे चला दिए हैं मूवी में, जिनकी ज़्यादा इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होने चाहिए थे पर फिर भी उनको डाला गया है मूवी में। तो गाइस इस तरफ आपका भी ध्यान जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से कर लीजिए ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।